दीदी, मेरा गांव में इसी तरह मचान से खेती होता है। जमीन पर रहने से फल खराब हो जाता है और कीड़ा लग जाता है, सड़ जाता है वर्षा होने से, और पत्ता भी देखिए पक जाता है सारा। खाली फले नहीं खराब होता है, लौका का रंग भी देखिए कैसा हो जाता है, उजला हो जाता है, हरा हो जाता है। अवालान वाला है जो सिर्फ लंबा भी होगा और हरा रहेगा। इसका जो नीचे मुँह है, जो इसका झुकाव है, इसका मुंह नीचे मुँह रहने के कारण लंबाई बहुत ज्यादा है। इसका बाजार में रेट, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। बात ऐसी है कि जो जमीन पर आप लगाते हैं तो उसका तोड़ने में थोड़ा कठिनाई होता है, चूँकि पत्ता तर छिपा हुआ रहता है। और इसमें क्या है ना दीदी, कि इसमें सारा फल जो है नीचे मुँह लटका हुआ रहता है और दिखाई देता है, ताकि तोड़ने में भी आसानी होता है। इसको देखिए तोड़ लेते हैं, और तोड़ने में आसानी होता है और टूट जाता है दीदी जल्दी में। और हवा अच्छा से लगता है, ताकि इसको भोजन बनाने में सहूलियत होती है। इसके चलते हमारा पेड़ पौधा हरा भरा लगता है। हाँ अच्छा भैया, भगवान पर एक फायदा और दीदी, कि आंधा पानी जब आता है तो हमारा पेड़ सब सुरक्षित रहता है। कितनों आंधी आवे चाहे पानी आवे, हमारा पेड़ पौधा सुरक्षित रहता है, ताकि नीचे वाला सब सड़ गल जाता है। भैया इसमें खर्च तो बहुत ज्यादा लगता होगा। अलान बनाने में एक कट्ठा में लगभग 10 से 15 बांस लगता है दीदी, और उसमें एक किलो मतलब ताड़ और एक किलो लगभग प्लास्टिक का रस्सी लगता है दीदी। उसको बनाने में लगभग मतलब 15 से 20 बांस लग ही जाता है, और ये बांस जब एक बार खरीदा जाता है तो 3 साल तक लगातार चलता है। रस्सी साल चेंज किया जाता है, रस्सी और तार को साल चेंज करते हैं।